तो मुल्तानी मिट्टी जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, मुल्तानी मिट्टी का यूज करके कैसे आप अपने स्किन को थोड़ा सा गोरा बना सकते हैं, एक शेड आप थोड़ा सा ब्राइट बना सकते हैं। वैसे कलर कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे ऐसे ऐसे वीडियो बनाने पड़ते हैं, लेके आने पड़ते हैं। जो लड़कियाँ बोलते हैं कि मुझे एक शेड दो शेड अपनी स्किन को गोरा बनाना है, वैसे तो जैसा भी भगवान ने आपका कलर दिया वो काफ़ी अच्छा है अपने आप में, लेकिन जो लड़कियाँ चाहती हैं उनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी ब्राइट हो जाए, और वो भी बजट के अंदर ही, वो भी कोई एक ऐसी चीज़ जिसे आप मतलब बड़े आसान से यूज कर सकें डेली बेसिस पे और आपका ज़्यादा खर्चा भी ना हो। तो आज मैं मुल्तानी मिट्टी का यूज बताने जा रही हूँ कि कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं फॉर फेयरनेस। तो सबसे पहले हम लेंगे एक खाली कटोरी, उसके अंदर आपको ऐड करनी है जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज करने जा रही हूँ। जैसे मैंने मुल्तानी मिट्टी यूज करूँगी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपने फेस के अकॉर्डिंग जितना मुझे चाहिए होगा मैं उतना मुल्तानी मिट्टी लूँगी। तो मैंने एक से डेढ़ चम्मच यहाँ पे लूँगी मैं मुल्तानी मिट्टी, और जो कि नीचे गिर गई है मेरी थोड़ी सी। और हाँ, जो ये चीज़ रखी है मैं इसके बारे में बताना भूल गई आप लोगों को, ये है कच्चा आंवला जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे खाती हूँ क्योंकि बहुत खट्टा है। इसका जो पेड़ है वो हमारे घर के बाहर ही है तो ईजीली मैं इसको खाती हूँ, ये मुझे मिल जाता है। अगर आपको ईजीली कहीं पर मिल जाते हैं आंवले तो आप खा सकते हैं, वो आपकी स्किन के लिए और आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ मुलेठी पाउडर। अगर आपको वाकई में गोरा होना है, अपनी स्किन को थोड़ा सा निखारना है, तो मुलेठी पाउडर, ऑरेंज पिल पाउडर आपके पास होने ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं स्किन से दाग धब्बों को रिमूव करना, या फिर आप चाहते हैं गोरा होना, तो या मुल्तानी मिट्टी आपके पास, सॉरी मुलेठी पाउडर आपके पास होना ही चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ कम से कम एक चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे मुलेठी पाउडर लिया है। मिट्टी को लगाने से, मुलेठी पाउडर को लगाने से स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो उससे बचने के लिए और इसकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको हल्का सा हाफ चम्मच इसके अंदर आपको डालना है कोकोनट ऑयल। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोकोनट ऑयल के साथ भी फेस पे मसाज करते हैं तो भी आपका कलर जो है वो निखर जाता है। तो मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया है। अब आपको मैं ऑप्शन देने वाली हूँ, मुल्तानी मिट्टी तो आपको लेनी ही लेनी है, अक्सर हर किसी के पास मिल जाती है, नहीं है तो आप लेके आ सकते हैं। मुलेठी पाउडर नहीं है तो आप इसमें बेसन डाल सकते हैं, इसमें चावल का आटा डाल सकते हैं, और फिर मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी गुलाब जल के साथ। तो अच्छा सा पेस्ट बनाना है आपको गुलाब जल के साथ। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है और आपको और ज़्यादा अच्छा सा बेनिफिट इसका चाहिए होगा हो तो आप इसके अंदर लेमन डाल सकते हैं, अगर आपको लेमन सूट करता है तो, या फिर आप इसका पेस्ट बनाने के लिए टमाटर जूस इसके अंदर डाल सकते हैं और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर गुलाब जल यूज करूँगी। लेकिन आप लेमन भी डाल सकते हैं और पोटैटो जूस भी डाल सकते हैं। ओके, तो इसका एक अच्छा सा पेस्ट हमें यहाँ पे तैयार करना है ताकि ये अच्छे से हमारे फेस पे चिपक जाए। तो मुल्तानी मिट्टी एक बेहतर ऑप्शन है, एक तो ये इजीली हमें मिल जाती है, अच्छे से आपकी स्किन को निखारने का बहुत अच्छे से काम करती है, पिंपल एक्ने को रिमूव करती है। तो इस तरीके से मैंने एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है जो कि अच्छे से पेस्ट हमारा बन के तैयार है। अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। आपको लग रहा होगा कि यार दी ये आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। एक बार इसको आप कम से कम वीक में 4 बार इसको जरूर ट्राई करें फॉर बेस्ट रिजल्ट, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप इसको वीक में 4 बार लगाएंगे तो। अगर आप, वैसे तो आप हर रोज़ लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको पूरा ड्राई ना होने दें अगर आप इसको हर रोज़ यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप पूरा ड्राई होने देंगे ना तो ये पूरी तरह से सूख जाएगा और आपकी स्किन पे रिंकल आ सकते हैं। तो हर रोज़ आप इसको यूज़ ना करें, और जब आप इसको लगाएंगे ना तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी तरह से ड्राई नहीं होना चाहिए आपके फेस पे। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे फेस पे इसको बड़े अच्छे से लगा लिया है, बड़े अच्छे से आराम से ये लग जाता है। तो इसको मैं छोड़ दूंगी जब तक ये सेमी ड्राई ना हो जाए, ठीक है ना। मैं मिलती हूँ, मुझे 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कहीं कहीं से सूखा है, यहाँ से सूखा है, यहाँ से सूखा है, क्योंकि मैं किचन में खाना बना रही थी। देखिए आटा प्याज है ना मेरा, तो साथ में पसीना आ रहा था तो इसलिए मेरा पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, लेकिन मुझे 15 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं आटा लगा है ना।
अभी मैं वॉश करने के अपना फेस वॉश कर लिया है, अब आप बोलेंगे आपके फेस पे तो रिजल्ट नजर ही नहीं आ रहा है। तो देख इस बात की, आप अपने खुद के फेस पे लगा के देखिए, आपका जो भी फीडबैक है मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। बहुत अच्छा इफेक्ट मिलने वाला है आप लोगों को, वीक में 3 से 4 बार आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपकी स्किन इसको लगाने से बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने वाली, क्योंकि हमने इसके अंदर कोकोनट ऑयल लिया है जो आपकी स्किन को व्हाइट बनाएगा और आपकी स्किन को नरिश भी करेगा। और ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ फिर ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।